अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी एक बार फिर खबरों में है और इस दफ़ा खबर है कि PSF और बलूचिस्तान स्टूडेंट काउंसिल के कारकुन आपस में लड़ पड़े और उसके नतीजे में कई स्टूडेंट जख्मी भी हुए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने क्या किया और क्या इस तरह के वाकयात तालीमी इदारों में तलबा सियासत के हवाले से जो एक मनफी रवैया पाया जाता है उसको आगे बढ़ाते हैं? यही हमारे आज के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का मौजू है कि किस तरह बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी महफूज रह सकती है, उसे महफूज बनाया जा सकता है और एक आला तालीमी माहौल वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब, जो तर्जमान हैं ज़िक्र यूनिवर्सिटी के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट ऑफिसर जो इन सारे मामलों को देखते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रब अकबर साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं शुएब बलोच, जो बलोच स्टूडेंट जो काउंसिल है उसके रहनुमा हैं। और हमें हमारे साथ मौजूद हैं PSF के ही इमरान डुल्लू, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं BSC जो है बलोच स्टूडेंट काउंसिल, शुएब बलोच, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आप लोगों ने हमें दावत दी इस प्रोग्राम के लिए। ये सर वाकया जुमे की रात तकरीबन करीब करीब 8 और 7 बजे के दरमियान में, हमारा कोई स्टूडेंट अदील नामी, अदील कैसरानी, वो उस्मान हाल के बेंचों पे सोया हुआ था बाहर। तो उसको PSF के कुछ लड़कों ने आके मतलब पहले उठाने, वो आपस में खेल रहे थे तो इनका कोई सिटी प्रेसिडेंट। आप इससे दोबारा पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हमारे साथ मुल्तान के CPO मनीर मसूद मारत साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मनीर साहब। मुझे ये जो यूनिवर्सिटी में वाकयात रिपोर्ट हुए पिछले 2 दिनों में, उस पर जो पुलिस ने इनिशिएटिव लिया, पुलिस ने जो कार्रवाई की, पुलिस ने इस सारे वाकयात को किस तरह देखा है, क्या क्या कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस का रिस्पांस तो इस यूनिवर्सिटी के मामले में बड़ा प्रॉम्प्ट रहा है और जैसे ये 7 तारीख को पहली लड़ाई हुई है उसकी फौरी बाद FIR दर्ज की गई है मुल्जमान के अगेंस्ट। उसके बाद दोबारा एक वाकया हुआ 9 तारीख को, उसके ऊपर भी फौरी तौर पर पुलिस ने क्रिमिनल केस जो है वो दर्ज किया है। और इसमें हमने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी सिक्योरिटी विंग को स्ट्रेंथन करें, जो यूनिवर्सिटी के एग्जिट पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको वहां पे उसकी सर्विलेंस जो है कि आउटसाइडर्स वहां पे ना एंटर हो सकें। और ये भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की। और साथ हमने रात को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस की हेल्प के साथ वहां पे सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया है हॉस्टल्स के अंदर, ताकि किसी किस्म के आउटसाइडर्स को चेक किया जा सके और जो अगर कोई वेपन्स वगैरह जो है वो किसी सूरत भी यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में नहीं होने चाहिए। तो इसमें हम तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं। हमने वहां पे अपनी जो एलीट फोर्स है वो भी स्टेशन की हुई है परमानेंट बेसिस के ऊपर, और हम इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एकेडेमिक प्रोसेस है वो किसी सूरत भी डिस्टर्ब ना होने पाए। जी अच्छा, मुझे आपको कोई इस तरह की अपनी जो पुलिस के जरिए रिपोर्ट्स मिलती रही हैं कि क्या इस तरह के वाकयात यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, और आपने भी अपने तौर पे भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से राबता किया हो और उनके लिए? जी देखिए, यूनिवर्सिटी में जब जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये मुख्तलिफ तलबा के दरमियान एक झगड़ा हुआ है, तो हमने फौरी तौर पर वहां पर रिस्पॉन्ड किया है। और ये झगड़ा जो है ये जाहिर है किसी एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में किसी में हुआ है, और उसमें हमने वहां पे रिस्पॉन्ड भी किया और उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो हमारी प्रोसीडिंग्स है वो भी हमने इनिशिएट किए हैं। अच्छा मुझे सब, कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं जुमे के आपने जो 2 मुख्तलिफ वाकयात किए, अब तक कितने मुलजमान को हिरासत में लिया गया? देखिए, 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं और इसमें 2 ही ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें लड़ाई वगैरह हुई है, और उनके मुतलका सेक्शंस के अंदर वो 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं। अच्छा मुझे, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की भी आप उसके साथ भी रबते में होंगे, आप क्या समझते हैं कि कब तक पुलिस की सपोर्ट मिलती रहेगी यूनिवर्सिटी को, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है यूनिवर्सिटी के अंदर वो उसमें आप हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को? देखिए, यूनिवर्सिटी जो है एक एकेडेमिक इंस्टीट्यूशन है और इसके अंदर एकेडेमिक प्रोसेस को किसी सूरत भी डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और जब भी जिस मौका पर भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पुलिस असिस्टेंस की जरूरत होगी उसमें पुलिस अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुनीर मसूद मारत साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वापस आते हैं जी शुएब बलोच, आप कह रहे थे क्या वाकया, क्या वजह बनी, आप क्या कहते हैं, आपका मौकफ क्या है? इल्जाम नहीं, हमारा मौकफ यही है कि हमारा जो हिस्ट्री है जब से ये मतलब ये काउंसिल वजूद में है, ये जिस तरह वो इंतजामिया को पता है कि कौन गुंडा है या कौन शरीफ है या कौन फसादी है, उन्हीं को ही पता है।
आप हमारे रिकॉर्ड चेक कर लें, आज तक हमारे ऊपर कोई FIR या कोई चीज़, क्योंकि इसको वजूद में आए हुए 8 साल हो रहे हैं, तो 8 साल में कभी कोई ऐसे वाक्या हुआ हो कि हमारी तरफ से पहल हुई हो। पहल उसी तरफ से हुई है, कोई लड़का सो रहा था, हम लोग का अदील नामी का लड़का था जी। वो बेंचों पे, तो वो आपस में खेल रहे थे, तो इनका एक बंदा गुजरा, दोस्तों ने यही गपशप जिस तरह होती है कि भाई मैं आपको उठा लूँ, उसने कहा कि भाई नहीं आप मुझे क्यों उठाओगे, आप हो कौन, हम आपस में, उसने कहा मुझे नहीं जानते, मैं तो PSF का हूँ, और उसने दे मारी उसको थप्पड़, मतलब वही थप्पड़ों की लड़ाई हुई। मामला शुरू हुआ, हाँ मामला जुम्मे का दिन जी, जुम्मे का दिन। फिर उसके रिएक्शन में हमारे लड़कों ने 4-5 लड़कों को सिर्फ थप्पड़ ही मारे, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके अगले दिन, हफ्ते वाले दिन 11:30 बजे के टाइम, करीब करीब 70 या 75 बंदा मैक्सिमम, जो डंडे सोटों के साथ, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है आपने देखी होगी, जिस तरह उन्होंने तशद्दुद किया एक बंदे पर, वो तो नींद से उठा हुआ था, या अगर हम लोग किसी लड़ाई के मूड में होते या कुछ होते तो हम इस तरह, कमीज भी हमारी निकली हुई है, कोई पानी भर रहा है आके पीछे से उस पर वार करते हैं, और 60-70 बंदे, इससे साबित होता है कि कौन मजलूम है और कौन बदमाश है। बकाया इंतजामिया भी इस चीज का नोटिस ले, इंतजामिया ने बहुत दफा एक्सपेल भी किया है इन्हीं लड़कों को जो इसी FIR में नामजद भी हैं, लेकिन फिर वो स्टे लेके आ जाते हैं, फिर वही मारपीट और ये चीजें। इमरान जुल्लू, PSF की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप पे ये जो इल्जाम उन्होंने आयद किया है कि आपके लोगों ने जाकर इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया बड़े सफाकाना अंदाज में, इस पर आप इमरान क्या जी कहते सर हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारा मौकफ सामने लाने के लिए हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने तरीका वारदात बताया ना कि एक जी बेंच पे सोया हुआ था, एक जी बेंच पे सोया पड़ा, इतने और बेंच पे हैं, कोई और आता है तो वहीं पे किसी भी जगह पे बैठ सकता है। पहली बात तो ये है कि ये एक बच्चा हॉस्टल से निकल रहा था, हमें नहीं पता वो बलोई था कौन था। दूसरा, एक लड़का इंटर हो रहा है, भले उसका PSF के साथ रिलेशन था या रिलेशन नहीं था, वैसे पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर चूंकि PSF ही डील कर रही है तो अक्सर स्टूडेंट के हकूक की जंग हम ही लड़ते हैं, सभी लोग हमारे साथ ही अटैच होते हैं, हमारा ही टैग उनके ऊपर लगा होता है, तो हमारी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो आमने सामने एक दूसरे के साथ हल्का सा कंधा टकराया, पहली बात तो ये है। अच्छा, कंधा टकराने के दौरान थोड़ी बहुत तलख कलामी हुई, जिसमें कोई थपड़ू छपड़ू का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, आप CCTV फोटेज जाके देख सकते हैं, ये मुकरब साहब यहां पे बैठे हैं, वो आपको हॉस्टल की फोटेज ला के दिखा सकते हैं। दूसरी बात, अगर एक बलोच लड़के के साथ पंजाब का रहने वाला कोई एक बच्चा टकरा जाता है, देखिए 30-40 हजार यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है, घर में भी अगर भाई बहन रह रहे हूं, भाई दो हूं आपस में, वो भी लड़ पड़ते हैं, तो अगर 30-40 हजार की स्ट्रेंथ में दो लड़के अगर आपस में लड़ पड़े हैं और बदकिस्मती से एक का तलक अगर बलोचिस्तान से था और दूसरे का पंजाब से था, तो क्या इसको आप पंजाब और बलोचिस्तान की लड़ाई बना देंगे? इमरान, लेकिन जो बात है कि जिस अंदाज में जो फुटेज वायरल हुई, हाँ जी उसकी बात करें, एक शख्स है जिसे एक तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे नहीं जानता कौन है वो कौन नहीं है, लेकिन जाहिर है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अब पहली बात तो यह है कि हमारा उस दौरान क्रैश हो गया, अब उसका नतीजा क्या निकला? काश उस वक्त जो बलोचियों ने एक्शन लिया कि सारे के सारे बलोच, सिर्फ वो यूनिवर्सिटी के बलोच नहीं थे, पूरे मुल्तान के अंदर इमरसन कॉलेज में, किसी और यूनिवर्सिटी में, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, चाहे कोई बलोचिस्तान से यहां पर मजदूरी करने भी हुआ है, सारे के सारे वहां पर इकट्ठे हुए, और जब ये हमारे हॉस्टल के अंदर जाके एक एक लड़के को निकाल निकाल के मार रहे थे, काश उस वक्त कोई होता जो हमारी वीडियो बनाता, उस वक्त कोई होता जब हमारे वालदन को घरों से उठा उठा के पुलिस जेलों के अंदर लेके आ रही थी, थानों के अंदर अभी तक वो बंद पड़े, काश उस वक्त कोई हमारी फुटेज बनाने वाला होता। ये जो फुटेज है, आपने खुद भी कहा कि अगले दिन भी हमने जाके वो किया, तो आपने भी तो इनिशिएटिव तो लिया ना सर, ये तो एक अपने बका के लिए, क्योंकि हमारे साथ ये बहुत दफा हुए, पहली दफा नहीं है, बहुत ही दफा, मतलब बहुत से जूनियर से और भी हैं पंजाब के। और इमरान भाई ने जो बात की, मैं उसका जवाब दूं कि उन्होंने इसको पंजाब और बलोच का जंग बनाया, हम लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने बदकिस्मती ये होना नहीं चाहिए, ये दो तंजीमों की लड़ाई है, पंजाब में जो रहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम जो है कोई तंजीम नहीं है, वो काउंसिल है, ये जरा तस्वीर फरमा ले सर, ये काउंसिल जो भी ऐसे कुछ भी होता है, ओके आपसे ये तंजीम है, काउंसिल है, क्या है क्या नहीं, उसमें बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रब अकबर साहब, बात मैंने असल में स्टार्ट इसलिए की ताकि लोगों को एक तो उनका मौकफ आ जाए, फिर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि हुआ क्या है यूनिवर्सिटी? बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब आपका, आपने खास तौर पर हमें बुलाया, इन स्टूडेंट्स को भी बुला लिया, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चूंकि रेजिडेंट ऑफिसर हूँ पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी में, और मेरी जिम्मेदारी है अमन अमान को कायम करना, सिक्योरिटी को देखना। हमने 3 साल में बड़ी कोशिश की है, इस यूनिवर्सिटी में असला भी होता था, इस यूनिवर्सिटी में फायरिंग भी होती है, लड़ाई झगड़े बड़े मामूल की बात है, इसमें स्टूडेंट्स का कॉपरेशन भी है, पुलिस का कॉपरेशन भी है, इंतजामिया का,
कि हमने उसको काफी हद तक कंट्रोल किया। अब जहां तक बात है लड़ाई झगड़ों की, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं ये यहां पर तो वाकई बड़ा मतलब शायस्ता और ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 3 साल में बड़ी छोटी छोटी चीजों पर, बड़ी छोटी छोटी और मामूली चीजों पर, जिसको अगर हम, मैं समझता हूं शहर में अगर हों तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। मैं समझता हूं अगर शहर में हम कैंट में किसी कैफेटेरिया में बैठे हैं और कोई एक हमारी चेयर उठा के ले जाएगा और हम उसको, मैं कहता हूं इतनी जरूरत भी नहीं करेंगे कुछ बोल दें, लेकिन अनफॉर्चुनेट है यूनिवर्सिटी में अगर ये कर लें, वो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, वो दूर से एक बंदा उठता है कि तो मेरी चेयर थी और मैं फलां डिपार्टमेंट का, फलां यूनिवर्सिटी का, फलां ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हूं, और वहां पर जो है वो मारपीट शुरू हो जाती है। वो फिर अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, दूसरी तरफ से उनके दोस्त आ जाते हैं और वो एक सिचुएशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बन जाती है। उनको फिर हम आते हैं और फिर बात करें, पहले उनकी बात मुकम्मल होने, फिर आपकी आपकी जो बात है ईमान लेते हैं आपसे, और फिर उस सूरत हाल को जाहिर हम जाते हैं और हम पहुंचकर कंट्रोल करते हैं। अच्छा, आप पे दर पे देखें ये वाकियात ऐसे होते रहते हैं, छोटे मोटे वाकियात, हमने इस पर FIRें भी सारी मौजूद हैं, एक जो है वो मुख्तलिफ सूरत हाल होती रहती हैं, सर भी लोग एक दूसरे के टक्करों पर मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो लड़ाई ज्यादा होती है, बाज़ औक़ात कम होती है, FIRें दर्ज होती जाती हैं। उसी तरह ये भी जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि जुमेरात की रात थी, वो मैं इनकी तस्दीक कर दूं, वो जुमा नहीं था, जुमेरात की रात थी जहां ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इसी बात से कि एक ग्रुप ने कहा जी हमें उन्होंने आके धमकाया, दूसरे ग्रुप ने मुझे फोन कर रात को मुझे धमकाया, मैं वहां पर पहुंचा, मैंने कहा जी ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन दें, हमारा एक प्रोसीजर है, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है कि हम उठाएंगे और पर्चा दर्ज करेंगे और उठा के ले जाएंगे, हमारी एक डिसिप्लिनरी कमेटी है जिसमें 21 ग्रेड के 4 प्रोफेसर हैं, सीनियर डीन है जो उसके चेयरमैन है, और वो फिर लोगों को सुन के कार्रवाई करती है। हमने इनसे कहा जी आप दोनों एप्लीकेशन दे दें, और इन दोनों ग्रुपों को कहा, दोनों लड़कों को जो कहते थे कि हमें मारा गया, उस वक्त मैं मौके पर मौजूद था, किसी की ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि जिस पर जो है वो कहा जा सके कि बहुत गंभीर सूरत हाल हुई। सुबह अगले दिन अचानक ही 10:30 बजे करीब हमें इत्तला मिलती है कि लड़के 20-25 मोटरसाइकिलों पर आते हैं, और उसके बाद ये वाकया होता है, बाहर से आते हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट भी थे, कुछ आउटसाइडर भी थे, उम्र हाल में गए, अचानक वहां पर जाकर इन्होंने सडनली अटैक किया और लड़के को मारा, और उसके बाद प्री प्लान अभी मैं बात पूरी, उसके बाद जब मैं वहां पर वो अचानक वहां पर गए और ये सारा सब कुछ हुआ, अच्छा पुलिस वहां पर पहुंच गई, उसके बाद वहां पर जो है वो भी पहुंच गए, SPO SP साहब भी पहुंच गए, हम लोग भी पहुंच गए, मामला दफा दफा खत्म हो गया, और हमने इन लोगों से कहा जी आप एप्लीकेशन दें और आप कुछ नहीं करेंगे, ये बलोच स्टूडेंट गए, इन्होंने कहा गेट हम बंद करेंगे, हमने इनको समझाया, ये एक मिनट बाद ही वापस आ गया, और हमने इनको कहा जी कुछ नहीं करना। अब वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि वो 2 दिन खामोशी रही जी। वो किसी ने इन्हीं के अंदर से, जहां से हमें ये लगता है, जो जहां से मुझे ये शक पैदा होना शुरू हुआ, बल्कि मेजोरिटी को, कि ये प्री प्लान्ड वाकया था, ये अचानक नहीं हुआ, कि अचानक 48 घंटे के बाद उस वाकये की CCTV फुटेज एक कैमरे से जो बनाई गई है वो निकलती है, और वो फुटेज भी ये निकलती है कि उसमें चेहरे नजर नहीं आ रहे जिन्होंने मारा है। वो फुटेज सिर्फ इसलिए मेरा ख्याल है बनाई गई कि ये साबित किया जा सके कि यूनिवर्सिटी में हालात ठीक नहीं है, जो नई गवर्नमेंट आई है वो नई गवर्नमेंट काम नहीं ठीक कर रही, वो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, वो कमजोर पड़ गई है, गवर्नमेंट इंतजामिया है यूनिवर्सिटी की, उसका भी यही हाल है, और इसको एकदम प्रमोट किया गया 48 घंटों के बाद उस वाकये गुजरने के बाद, और एकदम ये न्यूज जो है फ्लैश आउट होने लगा। सारी साजिश लगती है आपको, सारे इसमें कोई साजिश जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना 48 घंटे बाद, ये उसी वक्त एक्शन होना चाहिए था, अगर वो वीडियो थी तो उसी वक्त आनी चाहिए थी, और हमने जो देखा है वो नॉर्मल ये देखा है कि जब कोई वीडियो बनाता है तो वो ये बनाता है ये हरकत कौन कर रहा है, वो ये नहीं बनाता कि पांव की वीडियो बनाए, वो शक्ल की वीडियो बनाता है, वो वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो उसमें आपको लोगों के पांव नजर आ रहे हैं, शक्ल कम, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ वो गलत हुआ, ये एक अलग बात है, साजिश है या साजिश नहीं है इस पर हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। उसके बाद हमने इनको समझाया बड़ा कि आप लोग जाएं यूनिवर्सिटी इंतजामिया, यूनिवर्सिटी इंतजामिया कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर एक शख्स किसी दूसरे को थप्पड़ मारे, एक शख्स किसी दूसरे को मारे, तो एक कानून मौजूद है, इवन आप शहर में ही मौजूद हो और पुलिस खड़ी हो, आप किसी को गोली मारे तो पुलिस आपको गोली नहीं मार देती, ऐसा नहीं होता कि पुलिस वाले खड़े में 10 देख रहे हैं और गोली मार देंगे, एक कानून है जिसके तहत जो काम होता है। हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की कि एक कानून है उसके तहत ये काम होगा, लेकिन इनका मौकफ ये था कि मुसलसल ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ 5-5, 3-3, 4-4 पर्चे हैं, ये अदालत से स्टे लेते हैं, आ जाते हैं, और जब ये स्टे लेते हैं तो मजीद इनको तकवीत मिलती है कि हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जिनकी वजह से इन पर इश्ताल ज्यादा हुआ। उस इश्ताल के नतीजे में जो है
वो अल्टीमेटली इन्होंने भी डंडे वगैरह लेके ढूंढना शुरू किया, हमने इनको फिर मना किया कि ये सूरत हाल नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं ये समझ मैं मतलब ये समझता हूँ कि ये कोई ये जो खिलाफ वर्जी है एक लिहाज से कोड ऑफ कंडक्ट की, स्टूडेंट्स का भी तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि दोनों के खिलाफ वर्जी दोनों तरफ से जी। लेकिन इसमें जो इनका मौकफ है या जिसको मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ कि इनका कहना यह कि पहला, क्योंकि इनका अपना एक ट्रेडिशन है, इनका अपना एक कबायली निजाम है जिसमें इनका है कि हमने बदला लेना है, तो ये कहते हैं जब हल्का सा हमें कोई मारेगा, उन्होंने आप देखें खुद कह दिया कि हमें उन्होंने मारा तो हमने जवाब में मारा, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि हमने नहीं मारा, उन्होंने कहा हमने जवाब में मारा। तो उनके यहाँ ये एक सिस्टम है। अच्छा, यहाँ अब इंतजामिया या जो हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो इस ओवरऑल यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इशू पे हम आते हैं, इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर टाइम दीजिए, आपको क्या लगता है कि अब आज तक यूनिवर्सिटी ने, इस वक्त हम आप पर बात करें, यूनिवर्सिटी ने इस सारे वाक्य पे क्या रिपोर्ट्स भेजी हैं, हुकूमत ने रिपोर्ट्स तलब की, वज़ीर आला पंजाब ने भी ये मांगी, तो यूनिवर्सिटी ने इंतजामिया ने आज वाइस चांसलर साहब ने क्या किया, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से क्या हुआ? बहुत शुक्रिया जनाब। देखें भावजगी यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया है, यहाँ को 30 से 35 हज़ार जो है ना तलबा तालिबात हैं, 3,000 इंप्लाइज हैं, 600-700 अपना साथ कराम हैं, टीचर्स हैं। असल में ये यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर मुख्तलिफ फोर्सेज हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। उस हवाले से जब दाखिले का वक्त होता है या कोई इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है ना, उस वक्त इस किस्म के इशू कराए जाते हैं। ये चीज़ बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया में भी हाईलाइट हो जाती है और इसको बहुत ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट किया, जबकि एक्चुअल अंदर इतनी बात नहीं होती। ये जो तलबा हैं ये इससे पहले इससे बड़े बड़े हादसात भी करते रहे हैं। मैं उस पर यह कहूंगा कि इनकी जो है ना असल में पीछे से कोई इनको जो रिमोट कंट्रोल है उसके पास, जब चाहता है वो इनको इस्तेमाल कर लेता है, ये इस्तेमाल होते हैं। ये बलोच है, मैंने अक्सर समझाता रहता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी हैं, फाटा के भी हैं हमारे पास, कि बेटा आप इधर पढ़ने के लिए आए हैं, आप तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, आपको वालदैन ने यहाँ भेजा, हुकूमत आप पर खर्च कर रही है, ये फ्री पढ़ते हैं, इनकी कोई फीसेज नहीं होती, कि आप लोग यहाँ तालीम हासिल करें, इल्म हासिल कर जाएं, कुछ बने इस मुल्क और कौम के लिए। और इनमें अच्छे बच्चे हैं, अच्छे टैलेंटेड हैं, जो स्टेज पे आते हैं, शो करते हैं, हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इनको इस्तेमाल करके ना PSF को इनको आपस में जो लड़ाया जाता है ना, ये चीज़ मुल्क और कौम के लिए भी ठीक नहीं है। इस पर हमने क्या किया, हमने इनकी यानी 12 ट्रेनिंग भी की है, इनको समझाया है, इनकी साइकोथेरेपी भी की है, और इसके लिए हॉल काउंसिल है, जो डिसिप्लिन कमेटी है, उसने 12 इकदाम किए हैं। यानी जिस स्टूडेंट ने वायलेशन किया हमने उसको एक्सपेल किया है, उसकी हॉस्टल की जो अपना अलॉटमेंट मंसूख की है उसके खिलाफ एक्शन लिया है, और जो है ना FIR दर्ज है, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास कि जो FIR हैं एक के ऊपर 4-4, 5-5 FIR हैं। अब वो बेल आउट होते हैं पहले, उसके बाद जब उन्हें हम खारिज करते हैं तो जाके सिविल जस्टिस स्टे ले आते हैं और बहाल हो जाते हैं। इसमें हम सब इदारों को मिल के ना तहफ़ देना होगा। बाकी जहां तक बात रही भावजी यूनिवर्सिटी ने इंतजामियों को पूरी रिपोर्ट दी है, यानी CPO साहब की बात से मुझे बिल्कुल इत्तफाक है कि अकेडमी पे कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं किया, यानी पूरी क्लासेस हो रही हैं, तमाम चीज़ें जो मामूल के मुताबिक चल रही हैं, रूट चलते हैं, बसें आती हैं। देखें ना 30,000 तलबा तालिबात जो है ना जी, वो सुबह शाम आते हैं, तो आखिर वो यूनिवर्सिटी का माहौल पुरअमन है, वो तालीम हो रही है, एग्जाम हो रहे हैं, पेपर चल रहे हैं। थोड़ा सा जो आपने एक बड़ी बात की कि एडमिशन के दिनों में ही ऐसा क्यों होता है, ये बात मतलब देखें ना, कोई खास जब इवेंट होता है, कन्वोकेशन होने वाला हो या एडमिशन का टाइम हो या कोई खास इवेंट होता है ना, तो इनको रिमोट के जरिए हिलाया जाता है और ये लोग अलाकार बनकर ये काम करते हैं कि रिमोट के जरिए हिलाया जाता है, ये छेड़खानी करते हैं। इमरान जी जी, आप इमरान साहब आपसे बात भाई ये करनी है कि ये बताएं कि क्या प्रोफेसर साहब ने बात की, क्या कोई रिमोट कंट्रोल होता है, कौन साजिश करता है, आप इस्तेमाल क्यों हो जाते हैं? जी जी जी, सुनिए सर, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है माशाल्लाह सर। बात ये, पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल बच्चे नहीं है कि कोई ऐरा गैरा आए और हमें इस्तेमाल करके चला जाए। दूसरी बात, जो रूट स्टार्ट हो रही है, सर से ये पूछें कि यूनिवर्सिटी में ये कोई अचानक तो ऐसा फड्डा नहीं पड़ गया, ये एक सिलसिलावार ये सारा कुछ चलता रहा है। तब तक इंतजामिया क्या सोई हुई थी? जब ये कंटिन्यू की बात करते हैं जी कि कंटिन्यू पे कुर्सी की वजह से लड़ाई होती है, 30,000 के जहां पे स्ट्रेंथ हो यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे हर कंटीन के ऊपर क्या 5-5 कुर्सियां रखी जाए? इवन के ऐसी कंटीने भी हैं, आप जाएं जाके देखें, वहां पे बच्चे नीचे बैठे होते हैं। सर मुकरम साहब बैठे, उनसे पूछ लें डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के सामने बच्चे कहां पे बैठे होते हैं, वो नीचे बैठ के खा पी रहे होते हैं, ग्रास पे बैठ जाते हैं, जिस चीज पे भी उनका जी चाहे वो नीचे बैठ के खा रहे होते हैं। ये सारी इसका आज इस तरह के जो वाकयात हैं, मैं उधर ही आता। दूसरी बात, जहां तक ये CCTV फुटेज की वजह से हमारी जो बदनामी हुई है, पीपल्स फ्रीडम फेडरेशन की जी बदनामी जो हुई है, पहली बात यह है कि अगर PSF के लोग वहां पर यह कोई एक्शन कर रहे होते तो किसी के बाप की जरूरत भी नहीं थी कि वो वहां पर यह CCTV फुटेज बना रहा होता।
ये हम कोई थ्रेट नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि वो जो या ये जो लैंग्वेज है ईमान साहब जो आप बात कर रहे हैं कि जरूरत या किसी में क्या मतलब आप समझते हैं वैसे कि ये किसी उधर ही मैं कहने का मतलब ये है वहां पे कुछ ऐसे अनासर को भेजा गया कि आप जाएं जाके किसी लड़के को मारें, वो नहीं पता वो बलोच है या कौन है, किसी लड़के को जाके मारें फिर वीडियो बनाएं, वीडियो में चेहरे नहीं आने चाहिए क्योंकि वो तो पहचाने जाएंगे, उसके बाद जी हम ये एक प्रोपेगेंडा करेंगे कि चूंकि यहां पे पीपल स्टूडेंट फेडरेशन है लिहाजा पीएसएफ ने सारा काम किया, ये बिल्कुल झूठ है। तीसरी बात, हमारी जो यूनिवर्सिटी है आप ये कह रहे हैं इमरान, आप ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट पीएसएफ के नहीं है? जी सर, वो हमारे पीएसएफ के स्टूडेंट हमारे नहीं थे, हम आपके नहीं थे, बाहर से हैं। पीएसएफ कौन से थे, कौन से पीएसएफ थी सर? मैं इसका जवाब दे दूं उनको, उनसे मैं मुकम्मल कर लूं। चलो आप जी इमरान। जी जी सर, वो हमारे लड़के नहीं थे, आप सबूत है कि वो कौन? जो आप ही कह रहे हैं कि वो आपके लड़के नहीं थे शुएब जी। सर थोड़ा सा टाइम मुझे प्लीज सर। सर इन्होंने फिर ऑफिशियल पेज पे अपना क्यों दिया कि भाई हमने बलोचों को भी ललकार लिया है, हम बलोच को मारेंगे? हाँ यार, आप अभी इसको क्या मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो? जब एक हल्की सी शक्कर रंजी हुई, एक मामूली सी तलाक कलामी हुई और बलोच सारा बलोचिस्तान इकट्ठा करके हमें अगर मारने आ गए अपने वो कबायली रवायात का बदला लेने, ये सर कोई डेरा बुट्टी थोड़ी था? प्लीज आप थोड़ी था ये एक बात मैं ईमान से बात करूंगा और मैं शुएब से बात करूंगा कि ये लड़ाई बलोच सर मैंने यही पहले इंडिविजुअल नहीं थी, इसको उन्होंने रंग दिया है, स्टूडेंट है, हमें तो कोई ऊपर नहीं थी, एक बलोच पंजाब पर बात करते हैं आपसे, बात करते हैं लाजी यहां लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुद्दीन यूनिवर्सिटी में होने वाले जो हंगामा है, यह हंगामा राई है, ये तशद्दुद के जो वाकया है जिसकी फुटेज रिलीज हुई और एक नेशनल मीडिया पर भी एक इशू बना रहा, वो वाकया कैसे रोका जा सकता था और कैसे रोका जाना चाहिए? इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए और वो भी यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में, इस पर हमारी बात हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात कर रहे थे पीएसएफ से भी और ब्लू स्टूडेंट जो काउंसिल है उसके मेंबर्स से भी। शुएब आप बात करें ब्रेक पे जाने से पहले, आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इसे बलोच और या पंजाब तो और बलोचिस्तान का मसला नहीं है, भी नहीं इमरान वालों ने ही बनाया है, क्योंकि उन्होंने पीएसएफ ऑफिशियल पेज पे अपना हमें ललकारा। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ाई होती है वहां पे भी ये मसला नहीं बना, आजम यूनिवर्सिटी के अंदर जो लड़ाई होती है वहां पे भी बलोच और पंजाबी का मसला। एक मिनट एक मिनट, आप बात मेरी सुन ले एक मिनट। कितनी यूनिवर्सिटीज के सर रिकॉर्ड उठा के देखें प्लीज, ये हम चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, ये जितनी भी बलोचों और पंजाब के अंदर जो पंजाबी सराय की जितने भी जबानें बोलने वाले हैं उनके दरमियान जो लड़ाई हुई है उनका रिकॉर्ड उठा के कमीशन बना के देखें तो सही कि ये लड़ाइयां क्या बलोच और पंजाबी की बेस पे होती रही है या ऐसा नहीं होता रहा, और उनको कौमियत को हवा कौन देता रहा है, कौमियत की ज्यादा बात अच्छा कौन करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। कौमियत सर हम मानते हैं सर, हमारे जो काउंसिल बनी है काउंसिल बनी है, मानेंगे आप सर? मैं मानूंगा इस बात पे सर, जो हमारी काउंसिल बनी है वो एक कम्युनिटी है, वो इंतजामिया को पता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के फलाह और बहबूद के लिए हाँ, काम ये कर रही है। ये एक्सक्यूज मी सर, नहीं है सर, एक मिनट और सर बात मैं करना चाहूँ। गुलदस्ता रंग बिरंग के फूलों से ही खूबसूरत, और सर हमारे काउंसिल में बलोच हूँ, पश्तून हूँ, सिंधी हूँ, सरायकी हूँ, कश्मीरी हूँ, पंजाबी हूँ, वाकई में आते हैं। असल बात फिर यही है कि यूनिवर्सिटी में जो एक एनवायरमेंट है, आप भी वहां पढ़ते हैं, हम भी वहां पढ़ते रहे हैं और बहुत से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, असल जो बात यह है कि माहौल वहां कैसे बेहतर रखना चाहिए, हम सबकी जो जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, आप भी वहां बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तलबा तालबात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी नुमाइंदगी क्या है, शुएब बलोच की नुमाइंदगी क्या है और आपका फर्ज क्या है, आपने क्या कोशिश करनी है, शुएब बलोच ने कोशिश क्या करनी है, उससे हम बात करते हैं। सर आप बताएं कि जिम्मेदारी क्या बनती है, ईमान आप पहले आप बताएं जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। सर मेरे से आप मुखातिब हैं जी। जी जी सर, बुनियादी तौर पे ये है जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया, पहली तो बात ये है कि जो ये कहता है ना कि यूनियन के अंदर तशद्दुद आ जाता है, ये वो, जब दरिया एक रवानी के साथ चल रहा हो तो कभी वो सैलाब की शक्ल इख्तियार नहीं करता। हम जो इंतहाई मुखलसाना तरीके से स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, यूनिवर्सिटी अगर हमारे को प्रमोट करे तो यकीन कीजिए हमारी यूनिवर्सिटी बहुत आगे चल जाएगी। हम तो चाहते हैं यार, आपसे क्या मुराद है, सिर्फ पीएसएफ या फिर वहां जो भी जो भी डेमोक्रेटिक, सर देखें डेमोक्रेटिक जमात आए, वो लिसानियत, वो सुबाइयत, वो कौमियत, वो मजहबी किसी भी तासब की बात ना करें, वो वफाक की बात करें, मोस्ट वेलकम, आए हमें कंपीट करें, हम तो चाहते हैं। जी हाँ शुएब आए, वेलकम। सर इस भाई का ये जवाब मैं दूंगा कि हम लोगों ने अगर बनाई है, इन्हीं दर से बनाई अपनी एक कम्युनिटी छोटी सी,
हमारे बलोचिस्तान कौंसल में बलोचिस्तान के पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, इससे कोई मसला उस इलाके से सर हम इनको ज्वाइन करें फिर हम लाठियां उठाते हैं, हमें तो वादा नहीं पढ़ाई के लिए हम भेजे सर। हम पहली जिम्मेदारी है ईमान एंड शुएब वो है पढ़ने की और जिम्मेदारी है तालीम हासिल करने की, क्या आप लोग ये जिम्मेदारी सबकी हवाले से पूरी कर रहे हैं? पहले मैं शुएब आपसे बात करता हूं मुख्तसर साहब, आप क्या समझते हैं कि आपने कहा वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं? जी सर, देखिए इस तरह के वाकयात चाहे आपने किया या उन्होंने किया जी, सारी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करते? सर पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं जी, लेकिन ये है सर आप किसी को डंडे से मारोगे वो आपको फूल तो नहीं फेंकेगा आप पर ना सर। ईमान ऐसा क्या हो सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि जो यूनियन है ना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जितने वो तो बैन है वो तो अभी तक यूनियन तो है ही नहीं। नहीं सर एक मिनट सर, मैं अपनी तस्दीक करता चलूं, यूनियन बैन नहीं है, सिर्फ यूनियन के इलेक्शन बैन है। इलेक्शन नहीं है ना, ये तंजीम है राइट एंड यू फाइट फॉर आवर राइट। अच्छा इस पे ऊपर प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब ये यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन भी बैन है नंबर वन, और जो जो तलबा तंजीमें हैं वो किस अंदाज में काम कर रही होती है, उन्हें हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं? तलबा तंजीमें जो है ना इनका तो लीगल स्टेटस कोई नहीं है, कोई आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक रेडी बांध यूनियन बना सकता है, एक रक्षा वाला यूनियन बना सकता है। इस तरह बात करेंगे तो फिर ठीक है, आप नहीं बैठे हुए आप और बैठे हुए हैं। स्टूडेंट जो ईमान सरमाया है बीमार है कौम के उनकी यूनियन पाबंदी जो 1973 बनाया था वो आइन था, आईनी और कानूनी बात है, इसके ऊपर बात करते हैं किस वक्त देखिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर इस तरह की तरमीम के जिसमें यूनियन पे बैन कर दिया गया। पहली दफा आए लगता है किसी प्रोग्राम के अंदर। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही जी, मुस्लिम लीग नून की रही, काफ की रही, ठीक है, पीटीआई की हुकूमत है। तलबा तंजीमों का अगर उन्होंने आईनी तौर पर कानूनी तौर पर कोई चार्टर बनाया हुआ है और इनको अलाउ किया हुआ है तो हमें वो लाकर वो कागज एक मिनट वो लाकर गिलानी साहब पूछ रहे हैं हमारे जो प्रेसिडेंट बन जाएगा। और अगर इस तरह से आपने बात करनी आप लॉ के स्टूडेंट हैं आपको पता है लॉ क्या होता है, मतलब लॉ का स्टूडेंट है देख असल मसला पता है क्या है, लॉ का स्टूडेंट होते हुए उसको ये लॉ को पता ही नहीं है। हाँ जहां तक रही स्टूडेंट यूनियन की बात वो थी ऑफिशियल वो कानूनी थी, उस पर जियाउल हक ने आकर पाबंदी लगा दी, फिर 88 में वो बंदी हटी, 89 में इलेक्शन हुए और उसके बाद फिर अगली हुकूमतों ने उसको बैन कर दिया। यूनियन बैन नहीं सर, उनके इलेक्शन बैन हुए सर। आप जरा उठा के देखिए इलेक्शन यूनियन बनेगी ना, तलबा तंजीम में और जो स्टूडेंट यूनियन में जमीन आसमान का फर्क है, वो मुंतखब लोग होते हैं। मैं कहूंगा जो जोर दे रहे हैं वो बहुत वैलिड है कि यूनियन का होगी तो उसका क्या इलेक्शन नहीं होगा? उसका इलेक्शन होगा, होने चाहिए बिल्कुल। जब अगर इलेक्शन ही मना है तो क्या यूनियन बना रहा है? ये मुतालबा भी है सर, यूनियन हमारा जो चाहे ना डिमांड है पीएसएफ का पीपल्स डिमांड होती रहती है। ओके मैं मुकर्रब खान आप प्रेसिडेंट ऑफिसर हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स एसोसिएशंस की और यूनियंस की और ये जो सरगर्मी है ये जो ग्रुप्स हैं चाहे वो बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल है चाहे वो राजपूत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो पीएसएफ है चाहे जमीयत है एमएसएफ कोई भी है कोई भी है। देखिए जी मैं दो बातें करना चाहता हूं इसमें। पहली बात तो मैं ये बड़े वाजे तौर पे कहना चाहता हूं कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को। हम एक एडमिशन फॉर्म के वक्त एक एफिडेविट स्टूडेंट से फिल करवाते हैं, उसमें कैटागोरिकली ये लिखा होता है कि ये हल्फिया बयान दे रहे हैं और हम हलफ कर रहे हैं कि हम किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। इन्होंने ये ओथ लिया है, अब ओथ का मतलब हम सारे मुसलमान हैं और हम समझते हैं कि व्हाट डज मीन बाय ओथ। सर वो फॉर्म बनाते वक्त कंडीशन पे भी गौर कर लिया होता। मैं ये देख रहा हूं किस तरह यहां बड़ी मदद के साथ है यहां में मेरा सारा यहां सारी ईमान एक मिनट बात कीजिए ईमान जी जी सर देखिए बात ये है कि यार एसोसिएशन में क्या होता होगा। एक मिनट आपने एक बड़ा पॉपुलर स्टांस होता है कि आप किसी को बात ना करने दें और सिर्फ आप बोलते रहें। नहीं नहीं सर हकायक की बात करें ना, जहां पे हकायक की नफी हो रही है तो चीजों पर कुछ चीजों पे ईमान बात जो हो रही है वो ये हो रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक डिबेट है, इंटेलेक्चुअल डिबेट है सर बिल्कुल, कि यूनियन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये जो राइट्स हैं ये आपने जब आप स्टूडेंट थे आप उस दाखिले से पहले उस पेपर को उस बयान हल्फी को चैलेंज कर दें कि जी मैं इस पे साइन नहीं करता जी, और जी। पहले कोर्ट से परमिशन लेकर सर वो कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज किया सर वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हमने किया हुआ है उसके जो नतीजे हैं वो जो बात कर रहे हैं कि कितने हमें तो पहले चैलेंज करना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर एग्री करते हैं
तो फिर हम क्या करेंगे, एग्री करके हमारे देखिए एक हमारी मजबूरी है, अगर हमें कोई कहेगा जी कि आपको हम डिग्री इस कीमत पे देंगे कि आप दिन में सिर्फ एक मरतबा पानी पिए, तो हम कहेंगे चलो यार एडमिशन तो दो। ये स्टूडेंट आपको मौका पढ़ने के लिए लिया, इन्होंने एडमिशन फॉर्म फिल किया, तालीम के लिए किया, अगर इनका ताल्लुक इस तंजीम से है तो इनका जमहूरी हक है, राइट है, वो रखें अपना। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर तंजीम साजी पर हुकूमत ने बैन लगाया हुआ है और हुकूमत पीपल पार्टी की भी उस वक्त भी इलेक्शन नहीं हुए, बहाल हो उनके इलेक्शन हो उनके उनके लिए जो है ना जद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह एथिक्स हो, जरूर हो गया, ज़ाब्ते अखलाक हो, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे आपके दौरान नहीं रोकेंगे आप, ये आपको लग रहा है रोहित टीम के चैनल पे पहली दफा आए हैं, रोहित के अपने एथिक्स हैं, मैं ये सुन चुका हूँ कि आपने ये अल्फाज मुबारक अदा कर दिए कि मैं पहली मरतबा आप काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले किसी की बात मुकम्मल हो लेने दें, हर बात पर नहीं हो सकता ना इमरान, ऐसे देखे ना ये रवैया जो होता है ना, ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि यूनिवर्सिटी के अंदर इनका रवैया क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो अपने हक के लिए बोलते हैं उनका हशर क्या किया जाता है, जबान बंदी कर दी जाती है, ये बात कर रहे हैं रुक नहीं रहे, चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का, ये जो है ना यानी वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो माहौल इन्होंने खराब किया हुआ है उसकी जिम्मेदारी ये है जी जी, इंतजामिया मेरा मौका यह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए सब कुछ बैन करे, क्यों कानून के अंदर ये बैन है, तो ये फिर स्टूडेंट को नाकामी देते हैं, अगर आपकी बात मान लीजिए तो फिर नाकामी कहां है आपकी, आपने कहा कि हाँ, बिल्कुल देखें इसकी नाकामी तो हॉल काउंसिल ये डिसिप्लिन कमेटी सिक्योरिटी सिस्टम ये इनको एक्टिविटीज करने देता है कि चलें ये लू मिले, इसके अलावा भाजपा यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट काउंसिल बनाई हुई है, उसमें इसमें ड्रामा जो ड्रामा होता है डिबेट होती है शायरी होती है यहां तक के म्यूजिकल पोम होते हैं सब कुछ होता है, ये सब कुछ स्टूडेंट की के मामले में हमारी हाल जो स्टूडेंट के साथ किया जाता है साथ कमेटी ने वो स्टूडेंट के लिए तमाम पवाम वहां मुहैया करती हैं और बड़े अच्छे पवाम होते हैं और उसमें स्टूडेंट आते हैं परफॉर्म करते हैं, ये जो परफॉर्मेंस की बात आती है, पहले बेसिक राइट ये जहां पर भी आते हैं ये जेल में तो नहीं रह रहे हैं जिसकी वजह से माहौल खराब होता है, अगर ये कायदे के अंदर रहकर काम करें ज़ाब्ते अखलाक के अंदर रहकर करें, एक ज़ाब्ते अखलाक होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए इनके लिए ज़ाब्ते अखलाक बनाए और उस ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक ये काम करें तो फिर ये काम ठीक हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने इसके लिए कोई ज़ाब्ते अखलाक बनाया ही नहीं है, वो इन्हें अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्सिटियां इन्हें क्यों अलाउ करती हैं, जहां भी होता है फसाद होता है पंजाब में होता है जवाब बात है और में होता है और जहां भी होता है अगर किसी को हक देता है अगर ये करने का मौका दें, कि बात ये है कि हम बाहर पढ़कर आए हैं, पहली बात तो यह यहां पे यूनियन का जो स्टूडेंट यूनियन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत लिया जाता है, स्टूडेंट यूनियन हम भी बाहर रहे हैं, बाहर से लोग अगर पढ़ते हैं आप देख रहे हैं वहां पे यूके में भी हैं, ऑक्सफोर्ड में रहिए, कैम्ब्रिज में रहिए, वहां पर इशू यह है कि स्टूडेंट के हक की बात की जाती है, बिल्कुल स्टूडेंट के हक की बात करनी चाहिए, स्टूडेंट का हक तो हमने ये सीखा अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मेरी कुर्सी पे कोई बैठ गया तो मैं खड़ा हो जाऊं तो बेहतर है, कि ये हक है मेरा कि नहीं मेरी कुर्सी पे कोई बैठ गया, अब ये आप ये देख रहे हैं कि रवैयों से इंसान पहचाना जाता है, ये एक टीचर को यहां पर बात नहीं करने दे रहे तो आप ये खुद देखें, मैं बिल्कुल आप आजाद फरमा रहे हैं, मैं इनकी बात में बिल्कुल भी नहीं बोला, ये एक ना इमोशनल बात मुकम्मल होने दें जी मुकर्रम साहब, प्रोफेसर साहब नहीं मैं तो मेरा नहीं ख्याल अब इस तरह क्या मैं बात करूंगा, उसमें ये है कि हमें ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि होनी चाहिए, लेकिन ये फलाह बहबूद पहले तो मुझे बताएं फलाह बहबूद देखें, चैरिटी बिगिंस एट होम, क्या ये चैरिटी घर से ये शुरू हो रही है, क्या मारपीट शुरू करें, नहीं सर मैंने जब फीसें काम करने का मुताबिक ये मुझे बात कर रहे हैं ईमान ईमान ये मुझे बात कर रहे हैं जी, अब बात ये है कि मैंने इस हमारा अलमिया है ये कि हमने इस यूनिवर्सिटी को या हमने इस इदारे को या हमने इस मुल्क को क्या दिया, ये हम अनफॉर्चुनेट कभी नहीं सोचते, हमारी सोच यहां से शुरू होती है कि हमारे सारे राइट्स हैं लेकिन हमारी ड्यूटीज कुछ नहीं है, हमने उन राइट्स से पहले हमारी ड्यूटीज भी हैं, मैं वो ड्यूटी तो नहीं दूंगा, आप ये नाम पढ़े आपको एक खास गवार डिपार्टमेंट नजर आता है, आपको नजर आता है कि एक ही तरह के हैं सारे के सारे, क्या पूरे 20 में 40,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या सिर्फ इन 20 स्टूडेंट को ही राइट नहीं मिल रहे, क्या 40,000 स्टूडेंट में से 40 हैं जिनको कमरों में बांध दिया जा रहा है, 40,000 जो बात हो रही थी वो ये कि क्या सारे तंजीमें, मैंने
بی ایس سی جو ہے بلوچستان کاؤنسل وہ بھی ہے, پی ایس ایف بھی ہے, جمعیت بھی ہے, ایم ایس ایف بھی ہے, راجپوت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور بھی ہیں, لیکن سارا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سب کام کر سکتی ہیں, یہ سب پابندی پھر جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اگر روکنا ہے تو سب کو روکیں اور اگر بات اگر اجازت بھی سب کو روکیں. ہم نے آئے ہیں تین سال سے الحمدللہ, ہمارے پاس جو اپلیکیشن آئی ہے جو آیا ہے ہم نے کیا ہے. ہم کیٹاگوریکلی میں اس چیز کا حامی ہوں کہ جب گورنمنٹ اجازت دے دے, آئین پاکستان اجازت دے دے, گورنمنٹ امینڈمنٹ کر لیں, باقاعدہ جمہوری پروسیس ہو, یہ الیکشن کروائیں. لیکن اس وقت یہ حلف پہ سائن بھی کرتے ہیں, اس وقت یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا, اور اس کے بعد اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. فون پہ بات کر رہے ہیں, اگر آپ مجبوراً کہا جا رہا ہے, یہ کمال ہے کہ مجبور ہو کر میں کام کر رہا ہوں. یہ تو اسی طرح ہے کہ مجبور ہو کر کل کو کوئی کہے میرے پاس گھر نہیں تھا, میں نے سود لینا شروع کر دیا, مجبوراً میرے پاس کیا تھا, میرے پاس پانی نہیں تھا تو میں نے چوری کر لی مجبوراً, میں نے ڈاکا مار لیا مجبوراً. آپ کو اگر وہاں پر لینا ہے آپ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جائیں, وہاں جا کے آپ سیاست کیوں نہیں کرتے, آپ کی مجبوری وہاں سے ایسا کوئی معاملہ فلٹر کروایا جاتا. لیکن پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے, وہاں پڑھنا پڑتا ہے. اس واقعے پہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کیا ایکشن, کیا چیزیں ہوئی, اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے, لیکن ہمیں لینا ہے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ذکر یونیورسٹی میں اور جو پچھلے چند دنوں میں جو واقعات ہوئے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس کی کیسے حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے, اور ہر کسی کی کیا ذمہ داری ہے اس پر بات ہو رہی ہے. شعیب بلوچ, ابھی بات ہم جب کر رہے تھے تو آپ اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو بھائی, وہ تو بھائی وہ تو یونیورسٹی وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی پالیٹکس نہیں کر سکتا. تو سر ہم پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں, ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا کونسل جو ہے وہ ایک ویلفیئر ہے, ویلفیئر کے طور پہ ہی کام کر رہا ہے. وہ بلوچستان کے جو علاقے سے پسماندہ, جیسے آپ دیکھا ہوگا بلوچستان کتنا پسماندہ علاقہ ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ریزرو سیٹ یہاں پہ ہیں, بہت سے لوگوں کے پاس کمیونیکیشن اتنا نہیں ہے. ہم چل کے وہاں جاتے ہیں بلوچستان میں لوگوں کے پاس کہ بھائی آپ آؤ پنجاب. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پنجاب اور بلوچستان کے درمیان دوریاں ہیں وہ اس چیز سے ختم ہوں. اور بہت سے مطلب آفیشیل پیجوں پہ لوگوں نے دیا ہے کہ بھائی کوٹا سسٹم ختم کیا جائے یا کچھ. کوٹا سسٹم میں ان کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کوٹا سسٹم یہ 2011 میں ہوا جس میں ہماری فیسیں معاف ہوئیں. وہ فیسیں بھی کس طرح معاف ہوئی, وہ ہمارے حکومت پے کرتی ہے بلوچستان کو فیڈرل میں, جب ان کو یہاں پے کرتی ہے, آپ کو صرف دینی دینا پڑتا ہے, ہمیں نہیں دینا پڑتا. وہ بھی کس لیے سر؟ وہ بھی اس لیے کہ جو ہمارے مختلف چمالنگ جو وہ ہے کوئلہ سیندک ہے اس طرح کے مختلف, اسی کے بیس پر یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ آیا تھا, پروگرام آیا تھا, یہ کیا کہتے ہیں راستے کھولے ہیں پوری دنیا. ہم مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلچر, ہمیں پھر یہاں یہاں کے جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ اس طرح مار پیٹ کریں گے تو کوئی اچھا لیسن ادھر نہیں جائے گا. اور وہ اپنے پیج پر یہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ بلوچ ہیں, تم لوگ کہاں سے آئے ہو, یہاں بدماشی کرو گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. سر میں یہ بات کر لوں کہ ہم ایک علامہ اقبال کا شعر ہے, ہر جائے خدا سما جائے ماست, اور ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے کسی کونے میں پڑھ سکتے ہیں, اور ہم یہاں کے اسٹوڈنٹوں کو دعوت دیتے ہیں. وہ وہاں پر ہونا چاہیے, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے رانا جنید نے, پی ایس ایف کی نمائندگی کر رہے ہیں. رانا جنید, یہ آپ کا ادارہ ہے, آپ کی یونیورسٹی ہے, آپ کے ساتھی طالب علم ہیں, ایسے حالات کیوں ہو جائیں کہ آپ کے لیے یہ کسی اور کے لیے بھی مسئلہ ہو؟ رانا جنید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بھائی جان, پہلے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں سر, ہمارے جمعرات کی رات جو بتایا جا رہا ہے کہ جی معمولی سا واقعہ ہوا تھا, جھڑپ ہوئی تھی تھوڑی سی, اس کے بعد انہوں نے روم ٹو روم جا کے پی ایس ایف کے لڑکوں کو ایک لڑکے کی دانت نکال دیا گیا, دوسرے کی ناک کی ہڈی توڑ دی ہے, تیسرے کا سر کھول دیا گیا. یہ میرے پاس میڈیکل کی کاپیز ہیں جو ابھی تک ایک ہفتہ ہونے کے باوجود ہماری ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی, اور ان بھائی صاحبوں کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے, ہمارے گھروں تک ہمارے والدین کو اٹھایا جا چکا ہے. اور میں ایک اور آپ کو, انہوں نے انجینئرنگ کالج میں لڑکوں کو مارا ہے, تو جو جس میں ابھی یہ شعیب خان کا بھائی کا نام ہے, یہ میں نے مینشن کیا ہوا, یہ سامنے دیکھیں. اس کے بعد یہ سعد مینگل صاحب ہیں, ان کے پاس مطلب پری اریسٹ بیل بھی نہیں ہے, تو یہ کس اس پہ بیٹھے ہیں؟ جو یہ میں نہیں سمجھ سکتا یہ کون ان کو پیچھے سے گائیڈ کر رہا ہے, یا کون ان کو پولیس 24 گھنٹے 50 سے 60 ڈالر ضرور یونیورسٹی میں گھوم رہے ہیں, یہ ڈنڈے لہرائے پھر رہے ہیں. تو ہمیں ہماری انٹری بین ہو چکی ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے دیں, ہمیں جانے دیں, انٹری کرنے دیں, پولیس ان کو فل ٹائم جو ہے نا. آپ کا یہ الزام,
आपका राणा जवेद, आपने बात करी क्योंकि आपके साथी ने भी जी मेरे पास प्रूफ है, टोटल प्रूफ है, ये प्रूफ ले आए हम बात करें। सर हमारा मेडिकल है, मेडिकल आखिरी एक सवाल जी, प्रोग्राम क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, कैसे यूनिवर्सिटी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखा जा सकता है, आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? एक जुमले में जल्दी से मुझसे सर, क्या कैसे अमन हो सकता है यूनिवर्सिटी में? अमन इस तरह हो सकता है कि आरओ साहब बैठे हैं, वीसी साहब बैठे हैं, जो भी सरगर्म तंजीमें हैं या काउंसिल्स हैं, इनको बिठाया जाए, बिठा के इनको एक अच्छा मशवरा दिया जाए कि भाई हमें आपको रहनुमाई कीजिए, क्या हमें रहनुमाई, ये मौका यही चाहते हैं, ये जितने भी टीचर नजर आते हैं जिनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, वो चाहते हैं कि मामला बढ़े और उनकी कंसंट्रेशन आप कहते हैं, और आपने भी जिस कुछ किया तो आइंदा वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल, किसी भी फ्री नहीं होना चाहिए भाई, ये किस तरह बैठे हुए इन पे FIR है, ये किस तरह ये तो भाई मेरे ऊपर है, मेरे आप पर भी मान जो यहां डॉक्यूमेंट दिए उसे रहना चाहिए, तो नहीं FIR कोर्ट में एक्चुअली को देखिए मुकरब अकबर साहब की, बस कोर्ट कर मुकरब अकबर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी, ये शुएब होता FIR होती तो यहां मैं इसके साथ ना बैठा होता, मैं ऑलरेडी ये पूछ के आया हूं कि मैं ऑलरेडी उस लड़के से पूछ के आया हूं कि क्या ये यही शुएब है, उसने कहा नहीं ये शुएब नहीं है, अगर FIR है तो FIR में तो आप लोग जो बैठे हैं आपके नाम भी है, लेकिन ये डिबेट नहीं है जी, मगर इस वक्त कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो सकती है, कैसे हो सकती है, बस ये बताइए। इस वक्त मैं ये समझता हूं कि ये हम समझते हैं कि ये बच्चे हैं, बड़े हैं, भटक गए हैं अपने रास्ते से, इनको चाहिए कि ये मिल बैठे, आप सबको बात करें, सबको रोज वालों को भी कह रहे हैं, पीएसए वालों को भी कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी का जेनेट ऑफिसर हूं, यूनिवर्सिटी हमारी मादर है, आप बिठा के हमें यूनिवर्सिटी हमारी मादर है, हमें दो सर मेरे मेरे पास सुने सर, आजा जी बाकी मुकरर हैं, हम बार बार समझा कर थक गए हैं कि प्यार से हमें क्या बात करेंगे, बात करेंगे हमारी बात बिल्कुल नहीं मान सर, आपने कोई मत करो, यूनिवर्सिटी का लास्ट कमेंट क्या जी, बात यह है कि इन्हें अखलाक का ये जाब्ता जो आपने यहां रखा हुआ है ना, उस पर भी अमल नहीं हो रहा, तो वहां क्या करेंगे सर, हक पे बात कर रहे हैं, हक पे सर, इसी तरह हमारी आवाज यूनिवर्सिटी के अंदर बंद कर दी गई है, हमारे घर से बात और हम सबको क्या रखना चाहिए, बहुत जो हक है सर उसी है, आप जो कर रहे हैं उसको हॉल काउंसिल एकेडमिक कर दिया, उसके जरिए हम बहुत ही आप पर से आप का उन पे इनके खिलाफ कर अकबर का पेपर और नहीं, ये कौन पुलिस जिनके खिलाफ सबको याद में प्रोग्राम का वक्त होना चाहिए, खतक हमारे साथ तैयार है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, नजर के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपने मेजबान जमशेद वानी को इजाजत दीजिए, यूनिवर्सिटी में अमन कायम करने के लिए सबको ही अपना किरदार अदा करना है, अल्लाह हाफिज़।